अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, मैं आई हूँ कपड़े देखने के लिए बच्चों के गर्म, लेकिन मुझे यहाँ कभी नहीं दिख रहे हैं। अभी शादी के जोड़े दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत गर्म कपड़े बच्चों के लिए लेने आई हूँ। अच्छा यार, दीनार और कपड़े थे, यहाँ से मैंने कपड़े लिए थे, बहुत अच्छे थे। हमारी बहन की जमा की शादी थी, जो उसने नहीं लिए थे, मैंने तो नहीं लिए थे। फिर ये चप्पलों की दुकान भी है, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन मुझे शायद अभी गर्म कपड़े नहीं आए हैं। मैं देख कर गई थी, लेकिन शायद वो दुकान बंद है। ये नेशनल हैंडलूम है ना, यहाँ पर है, ये अंदर ये गली में है नेशनल हैंडलूम। वहाँ पर भी देखे हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे पसंद नहीं आए हैं। कि सर्दी हो गई है, बच्चों के गर्म कपड़े लेना है। चलो देखते हैं, यहाँ तो नहीं मिले हैं। अब मैं वापस जा रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ मैं तीन दरवाजे अंदर घोड़ते लूँ, वहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, हम लोग नेशनल हैंडलूम आए हुए हैं, तो ये सब आप देखिए, डिनर से बाथरूम से थे। ये सब बहुत अच्छे अच्छे, यहाँ पर प्लास्टिक के भी सब अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अभी किचन के लिए छोटा सा डस्टबिन लेना है, वो भी देख रहे हैं। ये रहा, और यहाँ पर फ्रिज के स्टैंड हैं। अच्छा, फ्रिज के स्टैंड भी देखो सही भाव में है, 120 लिखा हुआ शायद ये भाव है कि नहीं है, लेकिन अच्छा भाव बता रहा है यहाँ तो। ये अभी फ़िलहाल मैंने मंगाए थे, तो मुझे 300 रुपये में मिले थे, क्योंकि थोड़ी इसकी क्वालिटी हल्की लग रही है। ये ब्रश है, पोछे हैं। अच्छा, मेरे पास अभी सामान ज़्यादा हो गया है, इसके लिए मैं अभी नहीं ले रही हूँ। पर्स, पर्दे वगैरह हैं, बैग है। और अभी तो मैं खाली फर्स्ट फ्लोर पे ही होके आई हूँ, पर मैंने ग्राउंड फ्लोर पे होके फर्स्ट फ्लोर सेकंड पे तो जाना था। मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं मिली, इसलिए मैंने के हस्बैंड चिल्लाते हैं कि जो चीज़ नहीं लेनी हो उसे फालतू में मत देखा करो। चलो अब मैं कुछ खा पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। नहीं तो हम खाना वगैरह खा गए थे, लेकिन फिर भी मुझे भूख लग रही है, और बच्चे ज़िद कर रहे हैं, मम्मी आप कुछ खिला दो बाहर आई हो तो। अच्छा, ये गर्म कपड़े भी आ गए हैं, ये बड़ों के हैं, बच्चों के हैं। चलो अब देखते हैं क्या खाते हैं। चलिए इसके पाल के देखा होगा, बहुत चल रहा है आजकल बच्चों को, बहुत शुक्रिया हमारे बेटे ने तो कर लिया है, मैंने वीडियो बनाने में भूल गई है इसकी। अच्छा, हम लोग पकौड़े खाने खड़े हो गए, तो मुझे पकौड़े बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और हम साथ पानी की जो पकौड़ी वो खा रहे हैं। अब मैंने गन्ने का जूस बनवा दिया है, 20 रुपये का, 10 रुपये वाला है, मैंने 20 वाला बनवाया है।
अच्छा ये कौन लिया है, ये 50 रुपये का है और मेरा भी दिल हो रहा है कौन लेने का। तो भाई मैं भी शायद गला इतना वो हो रहा है, खांसी नज़ला हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे दिल हो रहा है तो मैं मंगा रही हूँ अपने लिए। अच्छा देखो ये बैठने के ऐसे पलंग हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठे बैठे। मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ तो वहाँ पर हस्बैंड खड़े होते हैं, चलो बहुत देर हो गई लेकिन मैं थोड़ी देर बैठ रही हूँ क्योंकि मैं आइसक्रीम करते हैं, हम लोग खा कर ही जाएंगे इसके लिए आइसक्रीम खा कर जाऊँगी। अच्छा लाइफ थोड़ी है ना, इन्जॉय करते रहना चाहिए जैसे बच्चे करते हैं, ऐसे मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ भाई। बहुत ज़्यादा तो हम बाहर घूमने ऐसे बड़े बहुत ज़्यादा पैसों में तो नहीं जाते, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ ही बच्चों को देना चाहिए ताकि उससे बच्चे भी खुश हो, घर का माहौल भी अच्छा खेलता रहे। चलो भाई मैंने भी अपना आइसक्रीम का कोन ले लिया है और ये मैं बैठे हुए खा रही थी, लेकिन बच्चे कह रहे पापा बुला रहे बुला रहे, कोई नहीं बुला रहे, वो तो कह रहे आप आराम से बैठो। तो अच्छा मेरे हस्बैंड को घूमने का बहुत शौक है, वो रात को खाना वाना खा के, पहले तो हम बहुत घूमने जाते थे लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चों के साथ नहीं हो पाता, इसलिए मैं जल्दी नहीं निकलती हूँ, क्यों ना होमवर्क करना होता है। तो जितने बड़े बच्चे हो जाते उतनी ज़िम्मेदारी और हो जाती है। मैं करती हूँ वीडियो का है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं कराया वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर ले, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया उसके भाई थैंक यू दिल से, और जो मुझे कमेंट्स करते हैं उनके लिए भी दिल से थैंक यू। और अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।